ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय विठ्ठलेश्वरे भक्तिवेदान्तस्वामिनि नाम्ने नमस्ते। सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्याधिपाश्चाद्विस्तार। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतादर्शवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका पुनः स्वागत है। और कल दो दो क्लासेस हो गए, आप सबको हेवी हो गया होगा, लेकिन हमारा जो श्रीमद् भागवतम है इसको हम डेली श्रवण करेंगे, ताकि धीरे 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 धीरे, जैसे बहुत बड़ा कलिंगड़ होता है ना, कलिंगड़ यानी वाटरमेलन, तो पूरे वाटरमेलन को एक साथ आप नहीं खा सकते, उसको टुकड़ा चॉप कर करके थोड़ा थोड़ा करके खाना होता है। वैसे श्रीमद् भागवतम का एक एक चैप्टर कर करके पूरे भागवतम का रस है ना, ऐसा इतना भर लेना है कि अंत में भगवान के सिवाय को और याद ही ना आए। गीता में भगवान बोलते हैं अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्। हाँ, तो हरे कृष्ण, तो अंत काल में भी भगवान का स्मरण आ जाए, ऐसा हमको हमारा लाइफ बना लेना है। तो हम सब 16 श्लोक कर चुके थे, अभी हम 17वें श्लोक में जाएंगे। वर्स नंबर 17। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभि ब्रूहीनः श्रद्धदानानां लीलाया ददतः कलह। His transcendental acts are magnificent and gracious, and great learned sages like Narada sing of them. Please, therefore, speak to us who are eager to hear about adventures he performs in his various incarnations. तो यहाँ पे भगवान जो अलग अलग अवतार लेते हैं, यानी कई बार लोग ऐसे हैं बदमाश इस समाज में, वो भेद करना चाहते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उनका एक काम था, 1835 में उन्होंने प्लान किया कि कैसे भी हुक और क्रूक लोगों को प्रलोभन दो, उल्लू बनाओ, गुमराह करो, आपस में लड़वाओ, सम्भव और देदर गुरुकुल और गोशाला, ये दो कल्चर खत्म कर दो, ये लोग भिकमंगा हो जाएगा और बाद में इनको हम लोग देख लेंगे, और मीन वाइल इनके ही शास्त्रों को लेके पढ़ो, और इनके शास्त्रों में कहाँ कहाँ ऐसा हीन भावना है वहां तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, कुछ भी बोलते जाओ, इन्हीं को जवाब देने दो और जवाब देने में इनको एंगेज कर दो। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे वैदिक कल्चर में आर्यवर्त में हुआ, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को समा और दियादर हमारे बहुत लोगों ने देखा समझा, लेकिन तभी जो कम्युनिकेशन था क्षत्रिय और ब्राह्मण और जो कम्युनिकेशन था वर्णाश्रम का, ये थोड़ा वीक हो गया था, इसका फायदा इन्होंने उठाया और मिसकम्युनिकेशन में इन्होंने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया। तो ये भेद इतना तक करने लगे थे कि हाँ देखो देखो ये शैव है तो वैष्णव है, और वैष्णव भी बोलते देखो ये राम का भक्त है कृष्ण का भक्त है। हमारे यहाँ भेद है ही नहीं, क्योंकि जहां भाव आएगा वहां भेद का सवाल ही नहीं है। जैसे कभी कभी घर पे मम्मी कुछ बोलती है तो पापा कुछ बोलते हैं, तो वहां थोड़ी कोई बोलता है आज मैं पापा का हूँ मम्मी गेट आउट ऑफ द होम, ऐसा नहीं होता है। वो मम्मी बोलती इधर आ, किसको बोला गेट आउट, टू गेट आउट। तो ये जो रिलेशनशिप का मॉडल है ना, इसमें ये सब नहीं चलता है। तो जो स्पेशली हमारे भगवान कृष्ण है वही राम है, वही वराह है, वही नरसिम्ह है, पर भेद कर दो, ताकि भेद करो ये लोग आपस में लड़ते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ है कि भगवान अपने कृष्ण का नाम तो पहले लिया है, बोले अपने सारे अवतारों में जो कार्य करते हैं वो क्या है कृपया करके बताइए। वो ग्रेशियस है, वो मैग्निफिशेंट है, यहाँ उनके लिए दो वर्ड यूज किए हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ भगवान के लिए दो वर्ड स्पेशली पर यूज किए हैं व्यासदेव जी ने, मैग्निफिशेंट एंड मैग्नेनिमस। भगवान मैग्निफिशेंट है यानी इतना परफेक्ट सब कुछ बना देते हैं कि मतलब आपका दिमाग बत्ती गुल हो जाएगा,
और मैग्नेनिमस है, उदार है। उदार यानी जो कोई मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को एक रुपया नहीं देना चाहता है, अब भगवान उसको सब दे दिए हैं लेकिन वो भगवान को वैल्यू ही नहीं दे रहा, ये प्रॉब्लम है। भगवान बहुत मैग्नेनिमस है, जैसे हम सबको आंख दिया है बराबर, लेकिन हम इसकी कीमत नहीं करते। हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है प्रॉपर, सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, हाँ ये सब है, और धीरे धीरे सब बहुत कुछ है हमारे में, कान है, नाक है, हाथ है, पांव है, क्या क्या है दिया है, लेकिन हमको इसकी वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू कब पता चलती है? जब इसमें से कुछ निकल जाता है इसमें समझो एक आंख काम करना बंद हो गया, या यू नो, या दोनों आंखों में प्रॉब्लम हो गया, या सांस लेने में प्रॉब्लम हो गया, हाँ हाँ, तो आस्थमा वो क्या मारते हैं, वो आस्थमा वाले, वो सब मार के करना पड़ता है। हाँ, कान से सुनने में बंद गया तो मशीन लगाना पड़ता है, तब समझता है कि भगवान ने जो दिया था वो कितना स्पेशल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम वो करना ही नहीं चाहते, हम वो भगवान को ग्रेट ग्रेट ग्रेटिट्यूड दिखाना ही नहीं चाहते, बस यही दिक्कत है। तो और जब छीन लेते हैं तब याद आते हो, अरे नहीं नहीं वो तो बड़े दयालु थे, मैग्नेनिमस एक बार जो भगवान दुख देते ना संसार में, सबको सबको संसार में दुख देते, तो कई बार लोग बोलते हैं अरे ये भगवान ने इतना दुख क्यों दिया, सब तो ठीक चल रहा था। तो एक्चुअली क्या है कि जब सब ठीक ठाक चलता है ना तो कोई भगवान को याद नहीं करता, और जब सब गड़बड़ा जाता है ना तो सब भगवान को ही याद करते हैं। यही प्रॉब्लम है। आईसीयू में पहुंच गया तो प्रभु जी को बुलाओ बचाओ, अरे भाई जब ठीक ठाक था तो एक बार कीर्तन के लिए नहीं बुला, जब ऊपर जा रहे तब तो बुला लो तो लास्ट में प्रभु जी फाइनल ओवर में थोड़ी छह छक्के मारेंगे तो यहाँ पे क्या कहते हैं उनको, एक बार एक बिल्डर था, बिल्डर जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो लिफ्ट से ऊपर जा रहा था, पता नहीं ये स्टोरी आपको पता था कि नहीं, वो लिफ्ट से ऊपर जा रहा था तो ऊपर में उसका वो अटक गया, वो जो था वो ट्रॉली कंस्ट्रक्शन चालू था ना, तो एक नहीं रहता जिससे सब सीमेंट ऊपर जाता है, फिर ऐसा उसी में था वो अटक गया किधर, तो सातवें आठवें माले पे अटक गया। तो नीचे वर्कर लोगों का आवाज दिया कि अरे यहाँ ध्यान दो हरी बॉल, यहाँ ध्यान दो, बचाओ मेरे को, ये बटन दबाओ, नीचे लाओ। तो उधर कोई वर्कर ध्यान ही नहीं दे रहा था उसकी आवाज, उसने क्या किया जेब से 100 रुपये निकाल के नीचे फेंक दिए। तो वर्कर ने जेब में 100 रुपये रख लिया लेकिन उसको ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने 500 का नोट फेंका, 500 नोट रख लिया लेकिन ऊपर नहीं देखा। फिर उसने 2000 का नोट देखा कि शायद 2000 कहाँ से गिरा ये देखने के लिए, ऊपर तो देखेगा। तो उसने 2000 रुपये ले लिए लेकिन ऊपर नहीं देखा बाद में उसे गुस्से से उधर में से एक पत्थर उठा उसके सर पे मारा नीचे, टकराए, कौन है कौन, ऊपर देखा कौन है तो कौन है, बोले मैं हूँ, लिफ्ट दबाओ नीचे लाओ। जब सर पे पत्थर लगा तब कौन है हम पूछते हैं। इसलिए भगवान क्या करते, दुख देते ताकि देखो मैं हूं ऊपर, टॉक टू मी, मुझसे बात करो तो यहाँ कहा गया है कि भगवान बहुत मैग्निफिसेंट है, बहुत मैग्नानिमस है, और तीसरा है उनका जो ये सृष्टि रचा हुआ है, चाहे वो आध्यात्मिक सृष्टि हो या भौतिक सृष्टि हो, इसमें इंग्लिश में कहा गया है इट कंटेन्स वेरिएगेटेडनेस। वेरिएगेटेडनेस मतलब विविधता है। आप इसे म्यूट कर लीजिए, जो म्यूट नहीं ना प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो वेरिएगेटेडनेस है, वेरिएगेटेडनेस का मतलब होता है कि वैरायटी है। अरे वो छोड़िए ना, हम सबके पास दो दो आंखें हैं लेकिन सबके आंखों में देख के पता चलता है ये है, ये है, ये है, जबकि उसका साइज, उसका रेडियस, डायमीटर, जो भी आप जोड़ लें, आयरिस, रेटिना, जो भी फैक्टर्स हैं, सब सेम है। देखिए हम सबका कान, नाक, हाथ, मुंह, सबका सेम है लेकिन फिर भी हम अलग हैं। और जुड़वा में तो ऐसी पता नहीं चलता, बाहर वाला आता था जुड़वा में कंफ्यूज हो जाता, लेकिन मम्मी जानती है ये टन्नू है, ये मन्नू है डिफरेंस जानती है। हाँ, हमारे ये अंगूठा है, ये सारी उंगलियां हैं, तो स्पेशली जब हम लोग वो आधार कार्ड में वो लगाते हैं ना, तो ये वो तो दिखता है कि हाँ ये है, जबकि इतना सा सरफेस एरिया है, ये इतना सा सरफेस एरिया है। अगर आप इसको रेक्टेंगल की तरह भी ले लें तो मुझे लगता है ये 2-3 सेंटीमीटर होगा, और ये दो, और ये 1.5 सेंटीमीटर, 2 या 2x3, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में
सारे सृष्टि के लोगों का अलग है। सोच रहे एक उंगली की बात करें, इतना सब आगम बोल रहे जो अंगूठा अंकल की पिता बात, तो ये कितना वेरीगेटेडनेस है। और इतना ही नहीं, अभी जो आप स्पेशली जो स्कूबा डाइविंग करते हैं और वो आप सब वो देख सकते हैं कि कैसे वो स्कूबा डाइविंग में वो अंदर मछली वछली के को देखने के लिए जाते हैं, तो वहां पे वो अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं, है ना, कुछ ऐसे वो ऑक्टोपस की तरह हैं, उसमें भी अलग अलग वैरायटी, एकदम यूनिक। आप वो डिस्कवरी चैनल में जो दिखा दो देख सकते हैं, बहुत यूनिक होते हैं। तो भगवान ने जीवात्माओं को एकदम स्पेशल बनाए हैं, ये दुनिया के स्ट्रक्चर को भी अजीबोगरीब बनाया है, पता ही नहीं चलता है कहाँ पहाड़ का कौन सा गुफा कहाँ निकलता है। अभी महाराष्ट्र में भी कुछ शिवाजी महाराज की गुफाएं हैं जो यूज करते थे अपने टाइम में, तो यहाँ जाते थे और उधर सातारा में निकल जाते थे, पुणे में बैठते थे सातारा में निकल जाते थे, अंदर ऐसे भी गुफाएं। अब वो आज का अभी देखेंगे तो आप अंदर जा भी नहीं सकते, सभी के लोग पार कर जाते थे। तो ये जो क्रिएशन है ना, इसको कोई समझ ही नहीं पाया। जो हमारा खून है वो जैसे माताओं में वही खून दूध बन जाता है बच्चों के लिए। अब कब उनको दूध आता है, जब वो प्रेग्नेंट होके बच्चा डिलीवर करता, तब कितना नेचुरल है देखो। अगर जैसा आदमी है उसमें अपने आप टाइम में मैच्योरिटी आ जाता है, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उसको मैच्योरिटी आ जाता है। तो ये सब जो नेचुरल चीजें हैं ये एक साइकिल में बनी हुई है, और ये इतना मिटिकुलस और ये इतना परफेक्ट है ना कि हमारे सोच के बाहर है। तो यहाँ हमारे आचार्य कह रहे हैं कि अरे प्रभु, ये जो सारा क्रिएशन है उन्होंने किया है, इतने सारे अवतार लिए हैं, तो कृपया करके आप हमको बताइए, आप हमें प्लीज बताइए वो ये सब तो कैसे करते हैं, वो तो इम्पॉसिबल ही बताना, लेकिन जो भी आपको पता है प्लीज हमें बताइए। तो यहाँ एक बहुत सुंदर वर्ड था, मैं बता रहा हूँ। हाँ, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज नेवर इनएक्टिव एज सम लेस इंटेलिजेंट पर्सन सजेस्ट। तो देखो, जो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रभुपाद कभी कभी ना बहुत स्ट्रांगली खंडन करते थे, प्रभुपाद का परपट मतलब हैमर है ठाड़। तो वो कहते हैं कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान को इनएक्टिव डिक्लेयर कर देते हैं, उनका कोई काम नहीं है, लेकिन भगवान इनएक्टिव नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? चलिए आप में से बताइए। यहाँ तो प्रभुपाद ने खंडन तो कर दिया, लेकिन आप कैसे प्रूव करिएगा? कोई कहेगा अरे जैसा वैसे चल रहा है, बताइए। भगवान इनएक्टिव नहीं है, कैसे प्रूव करिएगा? हरे कृष्ण प्रभु। यस, भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, वो भी ठीक है। क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये जो भगवान ने बनाया है क्रिएशन, अरे ये वेरिएगेटेड है, और इसमें सो मच बहुत सारे एक्टिविटी है, इवन एटॉमिक लेवल से लेके बड़े बड़े प्लैनेट के लेवल पे। आप जिनको सुन रहे हैं अभी, एक्चुअली ना जूम और गूगल मीट दोनों है, कल से सिर्फ गूगल मीट होगा, लेकिन अभी जूम में आवाज आ रहा है, तो गूगल मीट वालों को बस एक एपोलॉजी है, कल आपको दूंगा, कल से ओनली गूगल मीट में सब रहेंगे। तो अभी देवप्रस्थ प्रभु आप सबको जवाब दे रहे थे, हमारा गुरुकुल है देहरादून में, वहाँ के इंचार्ज हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा चीज कहा कि माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कुछ कहते कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन है, बाद में बाप हमारे भगवान भाग गए, जो क्रिएटर है वो भाग गया। तो अब मैं आपको बताता हूं, देखिए कोई भी चीज मेंटेन करने के लिए भी उसके पीछे कोई बंदा होना चाहिए, कोई एनर्जी होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे प्रॉपरली सब कुछ मेंटेन्ड है, सब कुछ प्रॉपर अपने अपने साइकिल से चल रहा है, समुन्द्र का पानी एक लेवल तक ही आता है फिर अंदर बाहर जाता है, उसका एक बैंडविड्थ में ही रहता है। सूर्य जो है वो एक उत्तरायण दक्षिण का एक बेल्ट है, उसके अंदर ही उसका पाथ है। तो ये जो क्या होते हैं रूल्स है, नॉर्म्स है, और उसको चलाने वाले भगवान सतर्क 24 घंटा इसके ऊपर हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो ये कहना कि वो इनएक्टिव हैं, ये गलत हो जाएगा।
और यहाँ पे फिर लास्ट में प्रभुपाद जी परपोट में लिखते हैं, मटेरियल क्रिएशंस आर लाइक शैडोज ऑफ स्पिरिचुअल, परवर्टेड शैडोज ऑफ स्पिरिचुअल क्रिएशन। जैसे सिनेमा, हम लोग सिनेमा देखते हैं ना, वैसे वो, ये मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया था, सिनेमा में हम जाते हैं तो हम लोग अभी जैसे आजकल टीवी आ गए सबके घर पे बड़ा बड़ा, तो वो रिमोट से कोई जो चैनल चाहे देखते हैं, तो जो चैनल में इमोशंस गो थ्रू होते हैं वही इमोशंस हम आगे पीछे करते रहते हैं। अभी सिक्स मारा, हा आउट हो गया, ओ कैच पकड़ा, आ है ना तो एक्चुअली वो मैच कहीं और चल रहा है, दिखा कहीं और हो रहा है, देख कहीं और रहे हैं हम, और यहां दुख दर्द यहां ले रहे हैं। वैसे ही ये संसार प्रकृति के थ्रू चल रही है और इसका एल्गोरिदम सेट है। आप सिर्फ अंदर में आके ये सब कर रहे हैं, आपका इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो यहाँ परपोट ने प्रभुपाद लिखते हैं कि जो लिबरेटेड सोल्स हैं ये भगवान को पूरी तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, और आप लिबरेटेड सोल हैं तो हे सूत गोस्वामी कृपया करके हमें आप बताइए। अभी 18वां श्लोक लेते हैं। अथा क्या ही हरे धीमान अवतार कथा सुबह लीला विदधतः स्वैरम ईश्वरस्यात्म मायया। ओ वाइज सूत प्लीज नरेट टू अस द ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स ऑफ द सुप्रीम गॉडहेड्स मल्टी इनकार्नेशंस। Such auspicious adventures and pastimes of the Lord, the Supreme Controller, are performed by His internal powers. तो ये जो भगवान है, ये जो स्वयं भगवान हरि हैं, हरे है of the Lord, please इनके बारे में आप please कुछ बताइए। और क्योंकि इनके जो adventures हैं, देखिए normally हम सबको भी ना, मैंने आपको पहले श्लोक में क्या कहा था, जन्मादिअस्य यतः, हमारे में जो गुण आपको दिखते हैं वो सारे गुण भगवान में पहले से हैं और प्योर रूप में हैं, हमारे पास परवर्टेड है। हम सेल्फिश मोटिव के लिए करते हैं, वो भक्तों के लिए करते हैं, वो सभी के लिए करते हैं और हम हमारे लिए करते हैं, इसलिए इतना डिफरेंस है। हम अटके हैं इसलिए हम बंधन में है और वो मुक्त है। तो ये जो क्या कहते हैं उसको, एडवेंचर करने की जो इच्छा है, आप देखिएगा हम सब में भी बड़ी इच्छा रहती है, ये गुण हम में भी है। तो एडवेंचर में क्या होता है कि जैसे आप कहीं वहां गए, क्या कहते हैं उसको, कोई ट्रेकिंग वगैरह जाते हैं ना, जहाँ पे लोग रस्सी से हुक लगाते हैं, चढ़ते हैं और फिर अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। या कई बार लोग वो क्या होता है, बंजी जंपिंग करते, पाँव में बांध के नीचे जंप करते फिर ऊपर आते हैं। कई बार लोग पैराशूट वगैरह लेके वो फिर ऊपर से फ्लाइट से जंप मारते हैं प्लेन से, और नीचे उतर के फिर वो खोल देते पैराशूट और एक दूसरे का हाथ पकड़ के। तो ये सब जो एडवेंचरस है ना, जिसको हमारे हिंदी के लैंग्वेज में खुजली बोलते हैं इसको खुजली है कुछ करने का, तो वो जो है ना, ये जो एडवेंचरस पार्ट है, तो ये सारे एडवेंचरस पार्ट भगवान को करने में मजा आता है। और ये सिर्फ यही एडवेंचर नहीं, वो ऐसे एडवेंचर्स करते हैं जो आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन ला दे, आपके आपको अलग अलग चीजें सोचने में मजबूर कर दे। तो ये एडवेंचरस पार्ट है। और यहां वो कह रहे हैं कि ऐसे जो एडवेंचर हैं तो कृपया करके आप हमको उसके बताइए, और ये उनके अंतरंगा शक्ति से ही होते हैं। देखिए मार्कंडेय ऋषि जो थे, वो जब बहुत सारा 7 कल्प तपस्या किए, फिर वो भगवान प्रसन्न हुए, तो भगवान जब दर्शन दिए तो वो पूछे कि पूछो मार्कंडेय तुम्हें क्या चाहिए। मार्कंडेय बोले प्रभु एक काम करिए आप अपनी माया शक्ति मुझे दिखा दीजिए। तो बोले अरे रहने दो कुछ और मांग लो। बोले नहीं, मुझे मेरी सच में इच्छा है। 7 कल्प जानते कितना होता है, 1 कल्प होता है 43,20,000 इंटू 1,000 इंटू 2, ये 1 कल्प हुआ, इंटू 7 करिए इतने साल, मतलब 43,20,000 इंटू 1,000 इंटू 2 इंटू 7, इतना आयु था मार्कंडेय ऋषि का। तो हम तो ऐसे ही लोग मौत चाहते कि भाई जल्दी ले जाओ, कलयुग में जीने चाहते, लेकिन वो 7
कल्पज्जी, अनेक कलयुग अनेक सतयुग सब देख लिया उन्होंने। जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया, सोचो इतने कल्प के बाद उनको दर्शन हुआ, और हमारे हरे कृष्ण डिवोटी दो दिन चैंटिंग किया तो बोलते प्रभु भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हमारा कलयुग का जो डिवोटी है ना, वो भगवान भी हंसते होंगे ऊपर में, अरे कितना बदमाश है, एक तो ये चैंटिंग किया नहीं इसलिए इसको मिला अभी का जन्म, उसमें भी चार दिन माला करके नहीं हुआ, ये जाके प्रीचर को पूछ रहा है भगवान का दर्शन नहीं हुआ, प्रभु माला में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो कलयुग के लोग है ना सच में बदमाश है बेचारा, भगवान भी हंसते रहते बोलते क्या, चलो कम से कम चैंटिंग तो कर रहा है, जाने दो कहीं तो जा रहा है। तो एनीवेज मैं कहाँ चला गया, कलयुग के लोगों के बीच में घुस गया, मैं क्या कह रहा था आपको, किस स्टोरी में थे हम लोग, हाँ मार्केंडेय ऋषि आ गया। तो अजिताभ थैंक यू वेरी मच। तो मार्केंडेय ऋषि जो है वो बोले भगवान को मुझे माया शक्ति का दर्शन कराइए। तो भगवान बोले तथास्तु बोल के भगवान चले गए। अचानक से प्रलय आने लगा, पूरा बारिश जोर जोर से, बड़े बड़े बादल, पूरी बारिश, पूरा बाढ़ आ गया। फिर मार्केंडेय ऋषि जो है तैरते 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 एक पेड़ के पास गए, और वहाँ एक जो बैनियन का लीफ होता है उस पर भगवान लेटे हुए थे, अपना अंगूठा चूस रहे थे और भगवान ऐसा देख रहे थे। फिर भगवान वो बोले प्रभु बचाइए, तो उन्होंने सांस लिया तो मार्केंडेय अंदर गए देखा तो वही दुनिया है जो पहले था, जहाँ वो थे उनका मठ उनका वो सब हुआ, समझ में नहीं आया। फिर बाहर आए देखा तो वही, तो वो समझ में नहीं, अंदर भी वही है बाहर भी वही है, कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है इसका दर्शन वहां पे हो गया, इसका दर्शन वहां पे हो गया। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान की जो शक्तियां है ना अद्भुत है। हाँ, इसको अभी जो बछड़ा है गाय का जन्म लेता है वो इमीडिएटली खड़ा होके गोमाता का दूध पीने लगता है, उसको कौन पढ़ाता है, कौन लेक्चर देता है उसको कि कम ऑन हियर काप्स टुडे वी विल हैव क्लास फॉर ऑल ऑफ यू, कोई जरूरत नहीं है। ये वेस्टर्न कल्चर इतना घुस चुका है हमारे इसमें कि हर चीज हमको सिखाया जा रहा है, काय को जरूरत है। जरूरत ही नहीं है, सब नेचुरली बताते हैं, भगवान परमात्मा के रूप में रिवील करते हैं, हम सबको कभी अकेला नहीं छोड़ते, वो हमारे पास भी हमारे दूर भी है। वो पास में है क्योंकि हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दूर इसलिए है क्योंकि आपको पर्सनली उनकी सेवा करनी पड़ेगी, आपको पर्सनली उनको प्राप्त करने के लिए साधना भी करना होगा, ये नहीं कि बोल दिया हो गया, ना 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 ना, यू हैव टू पे द प्राइस, आपको अपना प्रेम दिखाना होगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भगवान के अवतार हैं लाइक ब्रह्मा रुद्र मनु पृथु व्यास आर इज मटीरियल क्वालिटेटिव इंकारनेशन, ये गुण अवतार हैं, और ये एक प्रकार से भगवान के अलग अलग अवतारों के भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं, हम लोग उसमें चर्चा करेंगे, जो मुझे लगता है इसका ही थर्ड चैप्टर है, थर्ड कैंटो का किसी का ही थर्ड चैप्टर है, हाँ थर्ड इसको तीसरा चैप्टर, उसमें डिटेल्स आएगा तो अभी हम उसको टच नहीं करेंगे। राम नरसिंह वराह वामन, तो ये सब जो है भगवान अलग अलग रूपों में अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से अलग अलग लीलाओं को करते हैं, जो एक साधारण मनुष्य के लिए तो इम्पॉसिबल है, किसी भी जीव के लिए इम्पॉसिबल है। तो ये कह रहे हैं कि कृपया करके हमको बताइए, ऐसे जो अपनी आंतरिक शक्ति से वो कार्य करते हैं, तो कृपया करके हमें उसके बारे में बताइए। तो अब जो है 19 और 20 ये श्लोक जो है ये एक कैटेगरी के हैं, तो मैं एक ले लूंगा, तो एक कल ऐसे करेंगे, कल 19 और 20 कल ले लेंगे। तो यस, आप में से किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं, हमारे पास आज लकीली टाइम है, तो मैं बता दूं कल से जूम नहीं होगा, कल से गूगल मीट होगा। आप में से कोई जूम यूजर है जिसे गूगल मीट लॉगिन करने में तकलीफ है, वो क्या करेंगे, आज शाम को 8 बजे मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए जूम का लॉगिन दे दूं, सॉरी ये गूगल मीट का लॉगिन में हम सब मिलके कीर्तन करेंगे 5 मिनट से, तो उससे पता चल जाएगा कि आपको कोई दिक्कत है, तो कल का फिर कुछ निर्णय लूंगा। परंतु जूम के सारे यूजर्स आपको मेरे गूगल मीट का लॉगिन मिलेगा, उसमें ही आप लॉगिन हो जाइए, वो बहुत अच्छा है,
क्योंकि उसमें हम 500 लोगों को ऐड कर पाएंगे तो मैं इसका लिंक फेसबुक पे डाल पाऊंगा, नहीं तो मुझे दिक्कत होता है, दो दो मोबाइल रखने पड़ते और एक में ईयरफोन कान एक में ही डाल सकता हूँ तो एक का ईयरफोन लेना पड़ता है और ये फिर थोड़ा शाम को कितने बजे, शाम को कितने बजे टाइम? 8 बजे, 8 बजे कीर्तन करेंगे, आपको मैसेज आएगा। प्रभु जी मेरा एक सवाल था। हाँ बोलिए। कि एक मतलब संस्था है वो बोलता है कि जैसे अपन भक्ति करते हैं, मैचेंटिंग करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तो बोलते हैं कि आत्मा आत्मा के स्वरूप बीज रूप में स्थित रहो, ध्यान करो और आत्मा का ध्यान करो, भक्ति में कुछ नहीं है, ये है वो परम शांति वाले हैं, पटेल करके हैं, गुजरात के हैं कोई पटेल करके, उनका कभी कभी यूट्यूब में आता है तो देखता हूँ। प्रभु जी तत्काल इसके भी मार्गदर्शन करते, क्या क्या बोलते हैं वो, क्या करो, आत्मा पे ध्यान करो, मतलब आत्मा रूप आत्म रूप में जैसे भक्ति हम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या जो भी मतलब हो रहता है, तो बोलते हैं कि ये सब तो अभी युग के लिए नहीं है, अब आत्मा रूप में रहो, आत्म स्वरूप को समझो, तो वो चीज ठीक है। ठीक है, वो देखिए ऐसा है जो गूगल मीट वाले सवाल को समझे कि ये पूछ रहे हैं, कह रहे कि कोई पटेल जी हैं जो ऑनलाइन आते हैं, वो कहते हैं कि आत्मा में ध्यान करो, बाकी परम शांति, परम शांति, परम शांति का वाइब्रेशन फैला हुआ है, परम परम शांति कुछ बोलते हैं। चले ठीक है, ठीक है, किसी का आपको वो नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली जो भक्ति का स्टार्ट है, या भक्ति भी नहीं, आध्यात्म का स्टार्ट तो आत्मज्ञान से ही होता है, आत्मा का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप आत्मा पे ध्यान कैसे लगा सकते हैं, आप परमात्मा पे लगा सकते हैं, क्योंकि कर्ता आत्मा है, तो आत्मा आत्मा पे ही ध्यान क्यों लगा, तो इसी ध्यान लगा ही रहे जी। अगर आप अपने मन बुद्धि को आत्मा में लगा रहे हैं तो वो आत्मा में लगाने का शक्ति भी आत्मा के माध्यम से ही आएगा, तो ये सिद्धांतिक रूप से गलत है, इसलिए आत्मा को परमात्मा में ध्यान लगाना पड़ेगा। दूसरे अध्याय के मुझे लगता है 51 या 61 श्लोक में है, मत परहा, कि भगवान बोलते हैं जब वो आत्मज्ञान भी देते तो कहते हैं मुझ में ध्यान करता है, वैसे व्यक्ति निष्काम कर्म योगी है वो मुझ में ध्यान करता है, तो भगवान में परमात्मा पे ध्यान करना है, आत्मा आत्मा पे कैसे ध्यान करेगा, मतलब हाँ वो ऐसा नहीं होता है, वो गलत है, पर ठीक है एटलीस्ट वो आत्मज्ञान की तरफ जा रहे हैं, भोग भोग से लोगों को अलग कर रहे हैं तो एक जगह तक आगे ला रहे हैं लोगों को, पर आत्मा आत्मा को ज्ञान नहीं देता है, आत्मा जो है वो परमात्मा पे ध्यान कर सकता है। तो मैं जूम को पॉज करूंगा, मैं गूगल मीट में किसी ने हाथ ऊपर किया है तो आप पूछ सकते हैं, किसी ने भी हाथ ऊपर किया था जूम गूगल मीट में, मुझे भी टेस्टिंग करने दो आवाज कितना आता है। यस अच्छा इसी किया था, चलिए पूछिए विनीत जी पूछिए। हाँ बोलिए बोलिए, हरे कृष्णा। अच्छा आप जूम से इधर आ गए ना। यस बोल बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हमारे पास इच्छा शक्ति होती है, क्या भगवान के भी अंदर इच्छा शक्ति है कि नहीं, उसके अंदर इच्छा नहीं है? तो माता जी हैं एक, वो गूगल मीट में वो पूछ रही हैं कि जैसे हम में इच्छा शक्ति है तो क्या भगवान में इच्छा शक्ति है कि नहीं। अरे सह ऐक्षतः, उनके केवल इनके केवल इच्छा से सब हो रहा है, सबसे पहली तो उन्हीं की इच्छा है। देखो जीव शक्ति और ईश्वर शक्ति दोनों इच्छा से चलते हैं, बस इतना है कि हमारी इच्छा अगर भगवान की इच्छा से जोड़ दी जाए तो हम मुक्त हो जाएंगे, और हमारी इच्छा को भगवान की इच्छा से अलग कर देंगे तो बद्ध हो जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा है वो मम्मी का हाथ पकड़ के बाजार जाए तो उसको खाने को मिलेगा, कपड़ा लत्ता मिलेगा, खिलौने मिलेंगे, लेकिन अगर वो मम्मी का हाथ छोड़ दे तो फिर बाजार में कोई उसको उठा के किडनैप करके ले जाएगा। तो वैसे ही माया शक्ति है, भगवान का थोड़ा भी हाथ अगर हमने छोड़ दिया तो खत्म। तो भगवान में भी इच्छा शक्ति होती है, इसलिए तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कि आप मुझे प्यार से दो मैं स्वीकार करता हूँ, तो उनकी इच्छा है कि वो भक्त उनके पास रहे, उनकी भी इच्छा है, कौन बोला। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। जूम में कोई पूछना चाहता है, ये जूम में पूछे, कल सब मीट में आएंगे तो कल एक ही रहेगा, आज जूम वालों को मौका दे दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, विकास बोल रहा हूँ।
विकास प्रभु हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन जपा के रिगार्डिंग में है। यस पूछिए। जो हम जपा करते हैं 16 माला जो भी है, जितने माला भी करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि कभी कभी बहुत अच्छा भाव रहता है, मतलब आप ज्यादा समझ सकते हो, भाव अलग ही होता है वो भाव, मतलब मजा आता है, पता नहीं चलता कब 16 माला हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घिस घिस के निकलता, मतलब वो तो ही नहीं पाता, तो उस समय क्या समझूं, मतलब वो मन स्थिर नहीं है या फिर वही मतलब तीन गुणों का प्रभाव, जैसे मेरा मन विचलित हो रहा है। ये अभी प्रभु जी पूछ रहे हैं कि जो मेरा जप में कभी कभी बहुत आनंद आता है, उत्साह आता है, एकदम रस आता है, और कई कई बार मन में जो है ये मतलब निरसता आ जाती है और ये सब आता है और विचलित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अपना टाइम खत्म हो गया, मैं आपके क्वेश्चन को शॉर्ट में बता दिया। तो एक्चुअली क्या है प्रभु जी, देखिए आपको जो सॉल्यूशन है उस पर आप काम करिए, आप प्रॉब्लम्स को मत गिनिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स को गिनते जाएंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके आपको समझो पाँव में कुछ हो गया, पाँव दो मिनट के लिए करो, आपको या किसी पेशेंट को पाँव फ्रैक्चर हो गया, अब वो जाके उसने पाँव को प्लास्टर लगाना चाहिए, बराबर, डॉक्टर को दे सरेंडर कर देना चाहिए, डॉक्टर साहब बोलिए क्या करना है, बिल भर दे, डॉक्टर उनको प्लास्टर कर देंगे, उसके बाद उसको पाँव ऊपर कर देंगे और उसको बोलेंगे ये खाना है ये नहीं खाना है। अब उस समय में अगर वो पेशेंट बोले ऑपरेशन के टाइम कि नहीं नहीं यहाँ से मत काटिए, यहाँ ना मेरे मुझे बहुत अच्छा लगता है वो एरिया, वो सब ऐसा करने लगे तो डॉक्टर एक बजेगा फट चुप बैठो, उस टाइम में डॉक्टर को काम करने देना है और दवाई को जो बोला है वो लो, ये मत पूछो ये दवाई कौन सा है, नहीं नहीं मैंने गूगल में पढ़ा है। आपको मालूम है आजकल डॉक्टर लोग बहुत गुस्सा करते हैं, अगर आप डॉक्टर को जाते बोलते हो कि सर यहाँ दर्द हो रहा है छाती में, तो बोलेगा क्या आपने आप सीढ़ियों से उतरते चढ़ते हो ऐसे कुछ बोलोगे, तो बोले अब बोले नहीं नहीं सर गूगल में लिखा है कि इससे नहीं हो रहा है। डॉक्टर तो गुस्सा होता है, नॉर्मल पेशेंट से 10 गुना पैसा लेता है वो ज्यादा, बोले तुम अपना दिमाग लगा रहा है। तो क्या है कि जब दवाई हमको मालूम है कि हरिनाम है, उसका आप खुद ही कह रहे हैं कि कभी कभी अच्छा एक लेवल मिलता है, तो जब कठिनाइयां आ रही है तो उनको भी पार होने दो, हो जाने दो आर पार। हमको ऐसा वो नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं रोज एक्सटेसी आएगा, अरे नहीं है हम उतने शुद्ध भक्त, तो भक्ति शुद्ध लेवल पे हरिनाम शुद्ध नाम लेने के लिए भी तो समय लगेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, कलयुग के लोग 2 दिन जप करके इमीजिएटली आज ही भगवान का साक्षात त्रिभंग ललित दर्शन करना चाहते हैं। मैंने कई बार देखा जी मंदिर में आती है और वो दर्शन लेते लेते रोना कृष्ण काना, और फिर वो उधर जाके किसी भक्त को पकड़ती है और बोलती है प्रभु जी आपको मालूम है मुझे कृष्ण ने दर्शन दिया, और बेचारे डिवोटी को डोनेशन चाहिए रहता है, बोलते हाँ माता जी तो दिया होगा। तो सेंटिमेंट का बाजार हो जाता है, तो हमको सेंटिमेंट का बाजार नहीं करना है। जब भगवान देंगे ना तो आपके आंखों में ऐसा आंसू आएगा कि आप उसको वो खुशी भी होगा कुछ समझ में नहीं, विरह भी होगा, एक अलग ही मिक्सचर रहता है, वो शारीरिक स्तर पे नहीं होता है। तो आप बस जप करते रहिए, दवाई पीते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। वो रूपक गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि जैसे जिसको जॉन्डिस है किसी व्यक्ति को, तो जॉन्डिस वाले व्यक्ति को दवाई है गन्ने का जूस, वो गन्ने का जूस पीता है पहले कड़वा लगता है, कड़वा इसीलिए लगता है क्योंकि उसे जॉन्डिस है, तो जब वो और पीता है तो धीरे धीरे जब तबीयत ठीक होती है तो कड़वापन कम होने लगता है और आखिरी में वही जूस मीठा लगने लगता है। तो हमारा प्रॉब्लम है कि हम भी अभी उस स्थिति में है जहां हमारा आधा ऐसा और आधा वैसा चल रहा है। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि थोड़ा समय दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस नाम जप लेते रहिए और अपने देहात्म बुद्धि से अलग रहिए, तो ये और नाम जो है हमें हमें खींच पाएगा, ये शक्ति होती है। तो अच्छा मैं अभी यहाँ समाप्त करूंगा आज का क्लास, हम लोग कल लेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है कल जूम में जितने भी डिवोटीज हैं, अभी इधर इधर 30 हैं उधर 75 है, तो ये 100 पार होता है इसलिए जूम से अलग करना पड़ा, तो गूगल मीट में 500 का व्यवधान है, तो हम लोग इसमें कल इसी में से लेक्चर होगा, तो जूम वाले कृपया इसको नोट करें, ज्यादा आसक्ति न रखें और गूगल मीट वालों के साथ दोस्ती कर लें, है ना, ये बेचारे वैष्णव मुझे क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते। तो इसमें हम आपको लिंक जो गूगल मीट का भेजेंगे वही जाएगा और उसमें आप सब क्वेश्चन आज शाम में अगर टेस्टिंग करना है
तो मैं शाम को 8 बजे छोटा सा कीर्तन 5 मिनट के लिए गूगल मीट पे कर दूंगा, आपको लिंक भेज दूंगा और हम सब उस पर कीर्तन करके टेस्टिंग कर लेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो फिर उसके बाद निर्णय लेंगे। प्रभु जी, गूगल मीट में कुछ और करना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं, वो आपका जीमेल होता है ना, ऑलरेडी आपका मोबाइल में जीमेल लॉगिन होगा ना जी। तो जैसे जूम है वैसे गूगल मीट एक ऐप है, आप देख लीजिए, आपके उसमें सर्च होगा, वो गूगल मीट सबके मोबाइल में होता है आजकल। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, आपको होगा, और दिक्कत होगा तो हमको फिर मैसेज पर्सनल लेवल पे कर दीजिएगा। ठीक, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। चलो प्रभुपाद की, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 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 हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, चलिए टाटा बाय बाय, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे वाहे।